जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट 6 का सॉल्यूशन। टेस्ट 6 का एडवांस मैथ का पोर्शन आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। आज हम लोग अर्थमेटिक का सवाल देख लेंगे, जो भी होगा 12 13 आज सारा का सारा सवाल देख लेंगे। और आपको ना करना कुछ नहीं है, बस शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो को देखना है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी सारा का सारा सवाल आप देख पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। वो स्मार्ट तरीका, जिस तरीका से हम आपको एग्जाम में करना सिखाते हैं, अगर वो तरीका आप पकड़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा करके आएंगे, ठीक है। और आपको हम क्या बता चुके हैं, देखिए जेएसएससी मॉडल पेपर, जेएसएससी सीजीएल मैथ, जेएसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट, इस तरीका का कितना ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का भी, रीजनिंग का भी और जीके जीएस का भी, जो अभी से एक सर आपको बता रहे हैं। तो आप इन प्लेलिस्ट में जाके पिछला वाला वीडियो को भी देख सकते हैं, यहाँ से आपका प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हम जो अभी करवा रहे हैं ये तो आपको देखना ही है, इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड मॉडल सेट है आप जाके देखिए, उनको एक एक चीज़ को समझिए। 20 सवाल का आपका प्रैक्टिस होगा, मतलब मज़ा आ जाएगा, आपका कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट 6 किसका हिस्सा है, फुल लेंथ टेस्ट पेपर 3rd का जो चल रहा है, 150 सवाल जिसमें आपका रहेगा, प्राइस मात्र 200 रुपया है। 20 फुल लेंथ टेस्ट प्लस 5 जीके जीएस का सेट भी आपको यहाँ मिलेगा। टेस्ट नंबर 12 तक हो गया है, 13 टेस्ट अभी आपका अपलोड हो रहा है, ठीक है, या हो गया होगा या आज हो सकता है हो जाएगा 13 नंबर टेस्ट, ठीक है। अब एक बात को समझिए, देखो टेस्ट देने का आदमी 50 टेस्ट भी दे देता है, लेकिन क्या कोई मतलब नहीं बनता है 100 टेस्ट देने का। 10 ही टेस्ट लगाओ, टेस्ट पढ़ के दिया जाता है, टेस्ट लगा के नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ो टेस्ट दो, पढ़ो टेस्ट लगाओ, पढ़ो टेस्ट लगाओ, पढ़ो टेस्ट लगाओ, इससे आप पता चलेगा ना कि आपका स्कोर क्या है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को देखते हो, कितना वक्त लगाते हैं, कौन सा पोर्शन आपसे कितना टाइम लेता है, ये सब आप तभी एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट आप ज़रूर लगाइएगा। और अगर आप 2016 के पेपर को एनालाइज करना चाहते हैं, 2016 में जो आपका सचिवालय का पेपर हुआ था, तो इसके लिए आपको ना टेस्ट नंबर 13 ज़रूर लगाना चाहिए। टेस्ट नंबर 13 ना बिल्कुल झारखंड सचिवालय जैसा सवाल पूछा था 2016 में, उसी पैटर्न पे बेस्ड है टेस्ट नंबर 13। तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा 13 नंबर टेस्ट को, आपको पेपर का वेटेज पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से सवाल डाला था, ठीक है। इसके अलावा फोकस स्टडी विद अभी जो अपना ऐप है, इस पे मैथ्स 299 का बायलिंगुअल है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस पूरा कंप्लीट है, रीजनिंग 199 साइलोग अभी चल रहा है, ये टारगेटेड है, ठीक है। जनरल साइंस बाय अभिषेक सर कंप्लीट, हिंदी इंग्लिश विथ PDF हैंड रिटेन नोट्स 499, सबका अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो 699। अभी वक्त है आपके पास, आप इन सब के साथ इनरोल कर सकते हैं, अगर परेशानी है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। आप अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस करिए, ठीक है। और आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है, ऐप का भी लिंक आपका दोनों जगह दिया हुआ है, कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आपको ये सब का सब प्लेलिस्ट खोलने में दिक्कत हो रहा है वैसे इन सब के ऊपर अभिषेक सर जो है वीडियो एक बनाए हैं कि आपको देखना कैसे है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज मार दीजिएगा या टेलीग्राम पे, वहाँ आपको लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके एक कमेंट का जवाब दे दें, कमेंट तो आते हैं बहुत, बट एक कमेंट का जवाब देना ज़रूरी है। इसी टेस्ट नंबर 6 में, इसी टेस्ट नंबर 6 का पहला पार्ट में, जिसमें एडवांस मैथ का सारा सवाल हम आपको बताए हैं, उसमें एक सवाल था ज्योमेट्री के पैरेललोग्राम से, ठीक है। तो उस सवाल को अगर हम बेसिक तरीका से करते तो काफ़ी वक्त लगता, ठीक है। हम ऑप्शन से आपको करने का तरीका बताएं और समझाएं, तो समझाने में 7-8 मिनट का ऐसा कुछ वक्त लगा या 10 मिनट का वक्त लगा होगा समझाने में। तो एक जन का कमेंट आया था कि सर आप ऑप्शन से भी तो 10 मिनट लगा रहे हो। मेरे भाई, बंधु, प्यारे, अगर आपको हम ना समझाएं और सीधा ऑप्शन टिक करना सिखाएं, ऐसा संभव है?
हम पढ़ाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। अगर आप 10 मिनट में एक सवाल को समझ जा रहे हो और वो सवाल जब अगला बार उस टाइप का सवाल जब आपके सामने आएगा तो आप 10 मिनट नहीं लगाएंगे, आप कुछ सेकेंड में 30 सेकेंड 40 सेकेंड या एक मिनट का समय लेके या दो मिनट का समय लेके उस सवाल को ज़रूर सॉल्व कर देंगे। कब? जब आप समझ जाएंगे तब। तो देखो, समझाने में वक्त लगता है, समझने समझाने दोनों में वक्त लगता है। हो सकता है कि हम एक बार समझाएं, आप एक बार में ही समझ जाएं, हो सकता है हम समझाएं और आपको समझ में ना आए, आपको उसके लिए और भी मेहनत करना पड़े, तो दोनों में वक्त लगता है। इसीलिए समझाना ज़रूरी है, इसीलिए हम टाइम लिए, क्योंकि मालूम है कि बहुत लोगों का गणित में हाथ थोड़ा तंग होता है। ठीक है, गणित में तो हाथ तंग होता है, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जिसका हाथ तंग होता है मतलब जिसका मैथ कमज़ोर होता है उसका ठीक नहीं होता। भाई आप प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, आप चीज़ों को समझिए, कंसेप्ट को समझिए। मैथ क्या, कोई भी इस धरती का कोई भी चीज़ आप समझ सकते हैं, बस उसके पीछे आपको निरंतर लगना होगा। कोई भी चीज़ इंसान के दिमाग से परे नहीं है, जो अभी है प्रैक्टिकल वे। ठीक है, तो समझने और समझाने में वक्त लगता है, और जब हम समझाएंगे तो भाई थोड़ा सा तो टाइम आपसे लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके सोचे ना, आप कुछ भूलने की स्थिति में ना रहें। आप क्वेश्चन देखिए और आप कैलकुलेशन करने पे ध्यान दीजिए, आंसर मारिए आगे बढ़िए, आंसर मारिए आगे बढ़िए, इस स्थिति में आपको लाना चाहते हैं। तो इसीलिए प्यारे, समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कमेंट ना भेजे तो अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर हो सकता है आपका मैथ अच्छा होगा लेकिन सबका तो अच्छा नहीं होगा। हो सकता है आपको हम थोड़ा सा बताएं और आप पूरा समझ लें लेकिन सब लोग तो ऐसा समझेगा नहीं। बहुत लोग ऐसा है कि पूरा बताने के बाद भी समझ में नहीं आता है। ऐसा मेरे साथ खुद होता था कि हमको एडवांस मैथ समझ ही नहीं आता था। पढ़ते 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 पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते कौन सा बुक ऐसा है जिसको जो बुक हमसे बचा हुआ है, हम समझने के चक्कर में हर एक बुक को नाप गए, NCERT से लेके जितना भी राइटर है हर एक बुक को हम तोड़ दिए, तब जाके एक समझ बनता है। और समझाने में तो वक्त देना ही चाहिए। बात को समझ आया मेरे भाई? इसीलिए आप लोग अच्छा से समझिए, पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। और अगर वाकई में आपको फ़ायदा होता है, पसंद आता है, अगर आपको अप्रोच स्मार्ट तरीका समझ में आता है कि किस तरीका से कितना कैलकुलेशन करना है, अगर आप इस चीज़ के साथ ढल जाते हैं और आपको पसंद आता है, तो एक लाइक और कमेंट में यस यस ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा, एकदम छोटा सा और आसान सवाल है। कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य का 4% उसके उसके क्रय मूल्य के 5% के समान है, दोबारा उसके विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपया अधिक है, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? अब इस सवाल में ना जरा देखो, सवाल बनाने से पहले थोड़ा रिसर्च करो प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस का 4% उसके कॉस्ट प्राइस के 5% के इक्वल है, दूसरा बोलता है कि उसके सेलिंग प्राइस का 20% उसके कॉस्ट प्राइस के 22% से 120 रुपये अधिक है। अब हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, तो ये रेशियो किससे निकलेगा? भाई पहला ही स्टेटमेंट से तो निकलेगा, दूसरा स्टेटमेंट में जाने की आवश्यकता है ही नहीं। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें डिफरेंस दिया हुआ है SP और CP का, SP का 20% और CP का 22%। अब आपको हम अगर यहाँ थोड़ा सा समझा दिए तो टाइम लगा तो क्या दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ बंधु। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो भाई, तो पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेलिंग प्राइस का 4% इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का 5%, ये बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस क्या होगा? पलट जाएगा ना, 4:5 होगा। सेलिंग प्राइस का 4% और कॉस्ट प्राइस का 5%,
तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या रेशियो होगा? 4:5 होगा, देखते ही आंसर करना है। अब थोड़ा सा लिख के बता देते हैं, सेलिंग प्राइस का 4%, सेलिंग प्राइस का 4%। अब देखो परसेंट का जो साइन है ना वो इक्वल के दोनों साइड है तो वो तो कट जाएगा, इंटू सीपी का 5%, तो परसेंट से परसेंट दोनों साइड उड़ गया। हमें चाहिए सीपी इज टू एसपी, तो सीपी कितना आ जाएगा 4, एसपी कितना आ जाएगा 5, मतलब 4:5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना ही तो करना था इसमें, ऐसा नहीं कि सवाल बहुत मुश्किल है, पर एकदम आसान सवाल है ये, और जैसा सवाल वैसा उत्तर भी आपको देना है। आसान है तो आसान ही देना है, मुश्किल सवाल का भी उत्तर आपको आसान बनाना है, ये हुआ पढ़ने का मतलब। ऐसा नहीं कि मुश्किल सवाल को देख के भाग गए, मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। सवाल को देखिए, बहुत ही फेमस सवाल है प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। ऐसा सवाल ना एग्जाम में आता है, ठीक है। कहता है कि अंडों की दर में 25% की गिरावट आने से एक व्यक्ति पहले की तुलना में 162 रुपया में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। अंडों की प्रति दर्जन मूल दर है, तो दो सवाल आपसे पूछता है, एक ओल्ड प्राइस और एक न्यू प्राइस। जैसे कि इस सवाल में पूछा है अंडों की प्रति दर्जन मूल दर, मतलब दाम घटने से पहले वाला प्राइस कितना था प्रति दर्जन, वो पूछा है, मतलब ओल्ड प्राइस पूछा है। तो दो सवाल पूछेगा, या तो ओल्ड या तो न्यू। तरीका बताते हैं, ध्यान से समझना। एक बात बताओ, अगर आप 162 रुपया बाजार लेके गए हैं और आपको मालूम चला कि अंडा का जो रेट है वो 25% पहले से कम हो गया है, आप इसी 25% कमी के कारण 162 रुपया में 2 दर्जन अधिक खरीद सकते हैं, तो या तो आप, अगर आप 2 दर्जन नहीं खरीदेंगे तो आपके पास पहले के तुलना में अभी 25% पैसा बचेगा, या तो आप 2 दर्जन खरीदिए या तो 2 दर्जन के पैसे आपके पास बच जाएंगे। मतलब पहले आप जितना पैसा में 10 दर्जन खरीदते थे मान लीजिए, अब उतना ही पैसा में आप 2 दर्जन ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि रेट में 25% गिरावट हुआ है, हम मान लिए हैं 10 दर्जन, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे, ध्यान दो, 162 रुपया में वो 2 दर्जन अधिक खरीद सकता है। मेरे भाई एक बात बताओ, 25% का कमी हुआ है, इसका मतलब 162 का 25% उसके पास बचेगा, 25% उसके पास पैसा बचेगा, और इसी बचा हुआ पैसा से वो 2 दर्जन अधिक खरीदेगा। तो एक बात बताइए, 162 का 25% कितना होगा, 25% का वैल्यू कितना, 1/4, मतलब 162 का 25% 162/4 रुपया, इतना में वो 2 दर्जन अधिक खरीदेगा, मतलब इतना में वो 2 दर्जन खरीदेगा। तो 162/4 में 2 दर्जन, तो 1 दर्जन का दाम कितना, तो यहाँ से नया वाला प्राइस निकल जाएगा। तो सर 1 दर्जन का दाम जो हो जाएगा वो 2 दर्जन का, एक 2 दर्जन का दाम 162/4 रुपया, तो 1 दर्जन का दाम 162/8 रुपया, ये 1 दर्जन का, ये न्यू प्राइस हुआ। ये कौन सा प्राइस हुआ, न्यू प्राइस। पूछा कौन सा है, मूल, ओरिजिनल, ओल्ड प्राइस। अब एक बात बताइए, ये जो नया वाला दाम है, नया वाला दाम है, क्या ये दाम घटा हुआ नहीं है, पहले के तुलना में 25% कम है कि नहीं, पहले के तुलना में 25% कम है कि नहीं, मतलब अभी ये दाम पहले की तुलना में कितना, 75% है। अगर 75% का वैल्यू 162/8 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू 100/75, मतलब 4/3, मतलब 4/3, और जैसे ही 4/3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हुआ, ये आपका ओल्ड प्राइस आ गया, पुराना दाम आ गया। कैलकुलेशन को समझिए, ठीक है। अब इसको कटम कुटाई कर देना है, तो 4 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 से 2 8 16 और 2 1 2, 3 से 1 81 को भागा देंगे 27 रुपया, मतलब जो पहले का दाम था, ओरिजिनल प्राइस था, वो 27 रुपया प्रति दर्जन था, अब का दाम 27 रुपया में 25% का कमी आ गया, ठीक है। तो
तो आपसे दोनों ही चीज़ पूछ सकता है, या तो ओल्ड प्राइस या तो न्यू प्राइस। तो अगर समझ लीजिए, अगर न्यू प्राइस पूछता कि इसका नया दाम क्या है, तब तो 162/8 रुपया हो गया। और ओल्ड प्राइस क्या है, ओल्ड प्राइस तो ओल्ड प्राइस मेरा है 27 रुपया प्रति दर्जन। ये एक दर्जन का दाम नया वाला प्राइस है 8 × 16, ठीक है, मतलब इसको पॉइंट में नहीं लिखे हैं, 162/8 रुपया। और ये नया, ये पुराना वाला दाम है, पहले वाला दाम, जो कि पहले वाला दाम ज़्यादा होगा ना, अभी वाला दाम कम होगा, क्योंकि पहले अगर अंडा मान लेते हैं 100 रुपये दर्जन था, तो अभी 25% कम हो गया, मतलब 75 रुपये दर्जन। तो पुराना वाला दाम ज़्यादा, नया वाला दाम कम। तो ये सवाल आपसे दोनों ही तरीका से पूछता है, ठीक है, या तो यहाँ पे दाम बढ़ा के, या तो यहाँ पे दाम घटा के, या तो पुराना वाला प्राइस पूछ लेगा, या तो नया वाला प्राइस पूछ लेगा। पूरा समझ में आया एकदम, इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। मिश्रण का सवाल है, एकदम आसान सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, थोड़ा सा भी, तो आप आसानी से बना देंगे। कहता है कि एक दुकानदार दूध का व्यापार करता है, 45 लीटर मिश्रण को 4:1 के अनुपात में वितरित करता है। यदि मिश्रण में 4 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो पानी और दूध का नया अनुपात क्या है। अब जरा ध्यान से देखिए, दूध का व्यापार करता है, एक मिनट, अच्छा सॉरी, ये जो हम कुछ छूट गया, ये जो 4:1 आपका रेशियो दिया है ना, ये रेशियो दूध और पानी का है, मिल्क और वाटर का है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, मिल्क और वाटर का है, ठीक है, इस अनुपात में बांटता है। और पूछा क्या है, पानी और दूध का, वाटर और मिल्क का, तो उलट मत दीजिएगा। और जरा ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसी तरीके का ऑप्शन आपके सामने डालेगा, 5:4, 3:10, 4:5, 10:3। इसको डालने से क्या होता है ना कि बहुत लोग ना सही आंसर लाके भी गलत उत्तर ठोक देगा, ठीक है। देखिए, तो 45 लीटर, अब ये सवाल आसान है, तो इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, एक्स वाई मानिएगा मत। 45 लीटर को बांटा 4:1, तो 4 और 1 5 का वैल्यू 45 लीटर, तो 1 का वैल्यू 5 × 45 9 लीटर, तो 4 का वैल्यू 9 × 36 लीटर और 1 का वैल्यू 9 लीटर, मतलब 36 लीटर मिल्क है और 9 लीटर वाटर है, ठीक, 45 को बांट दिया 36 और 9 में 45। अब कहता है कि मिश्रण में 4 लीटर दूध और मिला दिया, तो भैया दूध कितना था, 36, 4 और मिलाए कितना बना, 36 और 4 40, पानी कितना था, 9, 3 और मिलाए कितना बना, 9 और 3 12। ये अब जो है मिल्क हो गया 40 लीटर और वाटर हो गया 12 लीटर। अब इसको काट दीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 10 = 10, ये 3:10। ये जो अनुपात है ना, ये मिल्क और वाटर का है, पूछा है वाटर और मिल्क का, तो 3:10 हो जाएगा। ये 10:3 मत मार दीजिएगा, 3:10 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। बात अब समझ गए, एकदम आसान सवाल था। वो सवाल आपके सामने है, मिश्रण से है और एक एज से है, औसत से है, एज ही समझिए इसको। कहता है कि 200 ग्राम मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 2:3 है, ठीक है, अनुपात 3:2 बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली तांबे की मात्रा ज्ञात करिए। इस टाइप के सवाल में ना, आप जो तांबा मिलाएंगे ना, उसके लिए आप एक्स मानेंगे, हम आपको एक्स मानने का सलाह नहीं देते हैं, ऑप्शन अचार डालने के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब 200 ग्राम तांबा मिश्र धातु है, उसमें तांबा और जस्ता है, इनका रेशियो 2:3 है, मतलब 2 और 3 5 का वैल्यू 200 है, तो 1 का वैल्यू कितना, 200/5 × 20, मतलब 40, 1 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 40 है, तो 2 का वैल्यू कितना, 2 का वैल्यू 80 और 3 का वैल्यू 102, मतलब 80 ग्राम तांबा है और 120 ग्राम जस्ता है, यही है, 120 और 80 200 ग्राम हुआ, ठीक है। क्या है कि मेरे स्टूडियो के अगल बगल जो है बहुत लोगों का फार्म हाउस है, बड़ा बड़ा करोड़ों का बिजनेस है, इनका जानवर रहता है, तो भाई ये तो हल्ला करेगा, आप लाग समझा लीजिए, मानने वाले नहीं है, क्योंकि इससे इनको कोई मतलब है नहीं, ठीक है।
तो भाई आप भी इनको इग्नोर करिएगा, बेसिक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे पास जैसे ही बेहतर सेटअप होगा हम जगह बदल लेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, समझिए हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। अब कहता है कि ये जो अनुपात है ना, ये 2:3 है, हमको करना कितना है, 3:2, 3:2। तांबा 2 है, जस्ता 3 है, हमको तांबा 3 और जस्ता 2 दिखना चाहिए रेशियो में। तो ऐसा नहीं कि जस्ता को ओ को निकाल के फेंक देंगे, मिलाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आप कहेंगे सर हम इसमें एक्स ग्राम मिलाएंगे, हम बोलेंगे सर एक्स मत मानिए, मिलाना क्या है, तांबा मिलाना है, मिलाना क्या है, तांबा मिलाना है। तो सर अगर हम 200 ग्राम तांबा मिलाएं तो 180 और 200, 280 होता है, तो 280 तांबा हो जाएगा और 120 जस्ता हो जाएगा। तो 280 और 120 मतलब 28 और 12, 0-0 कैंसिल, मतलब 14 और 6 हो जाएगा, 14 और 6 मतलब 7:3। तो ये 7:3 हो जाता है, हमें 3:2 चाहिए, 200 ग्राम नहीं होगा। देखिए इस तरीका से भरवली कैलकुलेट करना सीखिए, ठीक है। अगर 100 ग्राम मिलाते हैं तांबा, तो 80 ग्राम पहले से था, 100 ग्राम बाद में कितना हो गया, 180 ग्राम। तो 180 ग्राम तांबा हो गया और 120 ग्राम, ये तो सेम है, इसमें छेड़छाड़ करना नहीं है। तो 180 और 120, तो 0-0 18 और 12, 6 3 18, 6 2 12, 3:2 हो गया। आंसर मेरा कितना, 100 ग्राम तांबा मिलाना है। आप 100 ग्राम इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 180 ग्राम और ये 120 ग्राम, 0-0 कैंसिल, 6 3 18, 6 2 12। तो आप यहाँ से ना x मानने से बच जाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला, एवरेज वाला, या कह लीजिए एज वाला सवाल। कहता है कि ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाए, ए के जगह पे सी को रखा जाए, तो औसत 19 वर्ष होगा। सी और ए की औसत आयु 21 वर्ष है। ए बी और सी की आयु क्रम में वर्षों में कितना है, तो पूछा है आपसे कि ए बी और सी का एज बता दीजिए अलग अलग। अब आपको ना करना कुछ नहीं है, आप बात को समझिए। आप यहाँ पे दो चीज दिया है, ए और बी का औसत आयु 20 वर्ष है, और फिर सी और ए का औसत आयु 21 वर्ष है। अब इस दोनों कंडीशन को फॉलो करवाइए ऑप्शन में, क्योंकि तीनों का एज दिया है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो कौन सा ऑप्शन में ए और बी का आयु को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 20 आएगा। देखिए तो 23 और 15, 38 को 2 से भागा देंगे 19 आएगा, ये तो होगा नहीं। 21 और 20, 41 को 2 से, 41 को 2 से भागा देंगे, पॉइंट में 20 से ज़्यादा आएगा, 20.5 आएगा। 22 और 18 को जोड़ दो, 18 और 22 40 को 2 से भागा दिए 20, ए का उम्र 22, बी का उम्र 18, 18 और 22 40 को 2 से भागा दिए 20, मतलब ए और बी का औसत आयु 20 वर्ष है। अब ए और सी का औसत आयु 21 वर्ष है, तो ये ए है, ये सी है, 22 और 20 42 को 2 से भागा देंगे 21, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप का सवाल में ना आपको बेसिकली सवाल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमको कैसे रिएक्ट करना है सवाल के साथ, क्या सॉल्यूशन करना है। अब आप इसका बेसिक देख लीजिए, हम तो आपको तरीका बता दिए कि ऑप्शन से कैसे फोड़ना है। अब इसका बेसिक देख लीजिए, अगर ए और बी का औसत आयु 20 वर्ष है तो इनका टोटल आयु कितना होगा, बोलेंगे सर ए प्लस बी बराबर 20 × 40 साल होगा। ए और सी का औसत आयु अगर ए और सी का औसत आयु 21 वर्ष है तो इनका टोटल आयु कितना होगा, 21 × 42 साल। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत आयु 19 वर्ष होगा, तो ए के जगह पे सी रखेंगे तो कौन बचेगा, बी और सी, तो बी प्लस सी का टोटल उम्र कितना होगा, तो 19 × 38 साल। अब देखो ये तो पहले बार तीन इक्वेशन आया, अब आप तीनों को जोड़ेंगे
तो ए प्लस बी प्लस सी का उम्र निकलेगा, फिर सबको एक एक बार घटाना होगा, तब ए बी और सी का अलग अलग निकलेगा। इतना काम करने से क्या फ़ायदा, सवाल तो आसान है, तो ऑप्शन का यूज़ करो ना भाई, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करवा दो यहीं पे। बस हम आपको तरीका समझाने का कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो सवाल देखिए, एक सवाल है आपका ट्रेन से और दूसरा सवाल है रेशियो से, दो मार कर लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखिए, कहता है कि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 70 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है ओपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। इनकी लंबाई क्रमशः 1.3 किलोमीटर और 0.7 किलोमीटर है, धीमी ट्रेन द्वारा तेज ट्रेन को पार करने में लगा समय कितना है, कितना कैलकुलेशन करना है, कैसे बनाना है, सब कुछ समझ लीजिए। जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आती है ना ओपोजिट डायरेक्शन से, तो जो टोटल डिस्टेंस होता है ना वो दोनों ट्रेन का लेंथ होता है, ठीक है, दोनों ट्रेन का लेंथ होता है। और जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आती है, चाहे दो ट्रेन हो, दो ट्रक हो, दो कार हो, दो आदमी हो, तो उनका रिलेटिव स्पीड को जोड़ देते हैं, क्या कि जल्दी पहुंचने के लिए दोनों को दोनों तरफ से एक दूसरे की ओर चलना जरूरी है, तो स्पीड जुड़ जाएगा। तो पूछा है कि दो की धीमी ट्रेन द्वारा तेज ट्रेन को पार करने में लगा समय कितना है, तो भाई समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, कितना दूर, 1.3 किलोमीटर और 0.7 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को पार करना है किस स्पीड से, एक चलेगा 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा चलेगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, 70 और 80, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, अब स्पीड कितना हो गया, 150 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 2 किलोमीटर, टाइम, स्पीड किलोमीटर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम किस में आएगा, आवर में। ऑप्शन देखो सेकेंड में लाना है, क्या दिक्कत है, आवर को सेकेंड में बदलना है, बदल देंगे 3600 से गुना कर देंगे और क्या। तो एक बार में कैलकुलेशन, टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना 2 किलोमीटर, चाल कितना 150 किलोमीटर पर आवर, ये जो समय आएगा ना ये आवर में आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3600 से, तो ये आपका जो समय आएगा अब आएगा सेकेंड में, कुछ नहीं करना है, जीरो से देखिए, ये जीरो से ये जीरो हट जाएगा, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, ये जीरो आउट हो गया, और 24 दूना 48 सेकेंड लगेगा, 48 सेकेंड लगेगा पार करने में एक दूसरे को, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आइए, 16:25 का सब डुप्लीकेट होता है रेशियो पूछता है, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या, तो जिस भी रेशियो का सब डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा उनके ऊपर रूट लगा दीजिए, उनके ऊपर रूट लगा दीजिए, तो रूट 16 हो गया और रूट 25 हो गया, रूट 16 मतलब 4 और रूट 25 मतलब 5, 4:5 क्या हो गया, सब डुप्लीकेट रेशियो। अब याद रखिएगा, अगर ए इज टू बी का सब डुप्लीकेट रेशियो पूछे तो ये होता है रूट ए इज टू रूट बी, ये क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो आता है, रेशियो प्रोपोर्शन में ये सवाल आता है, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशियो आता है, ये चीज़ पूछा जाता है, तो ये सब याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते, ये दो सवाल देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा और समझ में आ जाए तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, ठीक है। कहता है कि एक दर्जन केले की कीमत 72 रुपया है, ठीक है, एक सेब की कीमत एक केले की कीमत से 50% अधिक है, अन्नू ने एक्स केला और एक्स प्लस 4 सेब खरीदे और 186 रुपया खर्च किया, खरीदे गए कुल फलों की संख्या, कितना केला कितना सेब मिला के खरीदा, एकदम आसान सवाल है। 12 केला का दाम 72 रुपया है तो एक केला का दाम 6 रुपया हुआ। अब कहता है कि एक सेब का जो कीमत है केला के दाम से 50% अधिक है, अगर केला का कीमत 6 रुपया है एक केला का, तो एक सेब का कीमत 6 का 50% कितना, 3, 6 और 3 9 रुपया,
एक केला का कीमत 6, एक सेब का कीमत 9 रुपया, 6 से 50% ज़्यादा है, ठीक है। अब कहता है कि ये x केला खरीदा और x प्लस 4 सेब खरीदा और टोटल 186 रुपया खर्च किया। वेरी सिंपल है, एक केला का दाम 6 रुपया तो x केला का दाम 6x प्लस एक सेब का दाम 9 रुपया तो x प्लस 4 सेब का दाम मल्टीप्लाइड बाय 9 तो 9x प्लस 9 चक्के 36 और टोटल खर्च कितना 186 रुपया। इसी को कर देना है सॉल्व, 9 और 6 9 15, 86 में 36 गया 150 और 150 को 15 से भागा देंगे, x का वैल्यू 10, मतलब वो 10 केला और x प्लस 4 मतलब 10 प्लस 4 14 सेब और 10 और 14 24 फल खरीदा। इतना ही कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 7 नंबर सवाल, 7 वर्ष बाद 10% प्रतिवर्ष की दर से 64,728 रुपया 28 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है 64,728 पे, तो इसका तो आंसर आप दीजिए कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए आप इसको फॉर्मूला से मत बनाइएगा, आप थोड़ा फॉर्मूला को लॉजिकली सोचिएगा। 7 साल बाद 10% के रेट से, तो 10% हर साल मिला तो 7 साल में कितना 70% मिला, मतलब 64,728 का 70% निकाल दीजिए। करना कैसे है, 64,728 को 70% मतलब क्या 7/10, 64,728 को 7 से मल्टीप्लाई करके एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। 56.6 सब में है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, 7 × 14 और 5 × 19 9.6 ये नहीं होगा। अब 7 × 49 और 1 × 50 मतलब 0 होगा। अब देखो 7 × 28 28 और 5 33 3 3 3, देखो कितना अच्छा ऑप्शन सेट हुआ है, ठीक है। हाथ में बचा 3, 7 × 42 और 3 45। वैसे भी अगर आप ध्यान देते डायरेक्ट 7 से इसको मल्टीप्लाई करते, 7 × 42 इधर से कैरी आता आपका, तो ये 42 से ज़्यादा होता और एक ही ऑप्शन दिख रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 × 28 2 तो यहाँ आ रहा है कैरी, अभी 2 आ रहा है, और 7 × 42 और 2 44 सीधा आंसर ठोक देते हैं। तो इस तरीका से भी आप लॉजिकली सोच सकते हैं और सोचना चाहिए, ठीक है। आखिरी का सवाल, ठीक है, कहता है कि 0.63 1.05 और 2.1 का LCM और HCF दोनों निकालना है, LCM और HCF दोनों निकालना है। इसका तरीका बता देते हैं आपको, सबसे ना आप पॉइंट को हटा लीजिएगा तो पॉइंट को हटा लेंगे तो 63 दिखेगा, 105 दिखेगा और 21 दिखेगा, 63, 105 और 21 दिखेगा। सबसे पहला बात, पॉइंट का LCM या HCF कभी भी इंटीजर नहीं होगा, मतलब बी वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। अब कौन सा इसका आंसर होगा आप ये हमको कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है, कमेंट में लिख के बताइए, LCM HCF में डिटेल में बताएं, ठीक है। ये सीरीज से सवाल है, 15, 24, 42, 59 खाली स्थान 150 क्या होगा। तो सीरीज जब आपको दिखे ना, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। अगर अचानक से बढ़ेगा तो या तो क्यूब होगा या तो स्क्वायर होगा या तो गुना होगा। सीरीज आपको डिटेल में बताए हैं रीजनिंग वाला में और मैथ में भी वो डाला हुआ है, ठीक है। तो 15 से 24 गया तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस का 9, 24 से 42 हुआ मतलब प्लस का 18, 18 और 24 42, 42 से 69 गया तो यहाँ पे 27 जोड़ा है, ठीक है। 9 का सीरीज चल रहा है, 9, 18, 27 यहाँ पे 69 के साथ कितना 36 जोड़ेंगे, तो 9 और 6 15 मतलब 105 जोड़ना 105 हो जाएगा, 9 और 6 15, 6 3 9 और 1 10, 105 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो ये था आपका टेस्ट नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। आपका टेस्ट 6 कंप्लीट हो गया। अगला बार टेस्ट 7 में हम लोग मिलेंगे इसी धमाकेदार सॉल्यूशन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।